हाय दोस्तों, टी4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल का सर्च बार जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये अगर आपका डिलीट हो जाता है या फिर आपका होम स्क्रीन से ये गायब हो जाता है, तो इसको आप वापस कैसे ला सकते हैं। जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चे को मोबाइल कार्टून वगैरह देखने के लिए दे देते हैं और वो स्क्रीन पर हाथ वगैरह इधर से उधर करके फिंगर को, और ये आपका गायब कर देते हैं, तो इसको आप वापस कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरीके से गायब हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि ये हमारा गूगल का सर्च बार कहाँ गया, हम इसको लाना चाहते हैं, तो कैसे इसको ला पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आप सीख जाइएगा। तो उसके लाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको होम स्क्रीन पे ही रहना है, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको हल्का सा क्लिक करके दबा के रखिए। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं हल्का सा क्लिक करके दबा के रखता हूँ, इस तरीके से इसको नीचे ले लेते हैं टाइम को। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम हल्का दबा करके रखेंगे ऊपर में। तो हमने जैसे ही यहाँ पे दबा करके रखा, आपके सामने इस तरीके से पेज खुला। यहाँ पे आपके सामने नीचे तीन ऑप्शन मिलते हैं, पहला वॉलपेपर, दूसरा विगेट्स और तीसरा सेटिंग्स। तो ये जो विगेट्स का ऑप्शन है सेंटर में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जाना है नीचे, नीचे आपको जाते रहना है, और यहाँ पे देखिए कि आपका गूगल का सर्च बार कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, ये गूगल लिखा हो या गूगल का सर्च बार यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो इसके ऊपर हम आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हमने इसमें क्लिक किया, ये यहाँ पे गूगल का सर्च बार आ गया। अब आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि ये डन का जो ऊपर में ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है, और ये आपका गूगल का सर्च बार लग गया। तो इस तरीके से आपने गूगल का सर्च बार को लगा सकते हैं या वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।